नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य प्रति परिवार हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 10.74 करोड़ से भी अधिक गरीब और वंचित परिवारों को मुहैया कराना है। हालांकि अब तक इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको विभाग के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिसके तहत आप ये पता करने के लिए घंटों कार्यालय में घूमते रहते थे कि इस योजना के तहत आपका नाम सूची में शामिल किया गया है या नहीं। इस बात की जानकारी मात्र लेने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन माध्यम से इस सूची में अपना नाम देख सकते हैं और इस बात की पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार ने एक लिंक जारी कर दिया है। इसकी मदद से लाभार्थियों को अस्पतालों की लिस्ट देखने के लिए भी अब किसी CSP या किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से ही सूची देख सकते हैं। इससे दो फायदे जरूर होंगे, एक तो आपका बेवजह जाहिर होने वाला टाइम बचेगा और दूसरा कठिनाइयों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की यही कोशिश है कि आमजन की सहूलियत के लिए लाई गई योजनाओं का लाभ 100% लाभार्थियों तक पहुंचे। यही कारण है कि इस योजना का लाभ पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक और बड़ी पहल की है, जिसके तहत सरकार ने लाभार्थियों की सूची को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया है। इस सुविधा की मदद से अब राजस्व ग्रामवार सूची को आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अब पात्र लाभार्थी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर और पंचायत भवन में RTPS यानी कि लोक सेवा केंद्र पर जाकर अपना और अपने परिवार का आयुष्मान कार्ड मुफ्त में बनवा सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की नई योजना के तहत आयुष्मान मित्र के रूप में पंजीकृत होकर लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने में मदद किया जा सकता है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति अस्पतालों की सूची देखना चाहता है तो वो इंटरनेट की मदद से आसानी से देख सकता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सेवा वितरण के क्षेत्रीय और खंड दृष्टिकोण से हटकर एक व्यापक और अपेक्षित स्वास्थ्य सेवा की ओर बढ़ने का प्रयास है। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली यानी कि प्रिवेंशन, प्रमोशन एवं एम्बुलेटरी केयर को समग्रित रूप से संबोधित करना है। आयुष्मान भारत अबाध्य स्वास्थ्य सेवाओं की ओर एक बड़ा कदम है। ज्ञात हो, इस योजना में 5 लाख रुपए का लाभ पूरे परिवार को मिलता है, यानी कि इसका उपयोग परिवार के एक या सभी सदस्य द्वारा किया जा सकता है। RSBY योजना के तहत 5 सदस्यों की पारिवारिक सीमा थी। उन योजनाओं से सीख लेते हुए इस योजना की संरचना इस तरह की गई कि परिवार के आकार या सदस्यों की उम्र पर कोई सीमा नहीं रखी गई है। इसके अलावा पहले से मौजूद विभिन्न बीमारियों को इस योजना में पहले दिन से ही शामिल किया गया है। इसका मतलब ये है कि इस योजना में नामांकित होने से पहले किसी भी किस्म की बीमारी या स्वास्थ्य अस्थिति से पीड़ित व्यक्ति उन सभी चिकित्सीय परिस्थितियों के लिए और साथ ही योजना के तहत सारे उपचार प्राप्त करने के लिए पहले दिन से ही लाभार्थी है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।